मोदी सरकार के साथियों में कृषि कानून को लेकर सबसे पहले एनडीए से नाता तोड़ने वाले शिरोमणि अकाली दल के तेवर कृषि कानूनों पर अभी भी कड़े हैं। संसद के चालू बजट सत्र के दौरान किसान कानून के खिलाफ प्लेकार्ड लेकर विरोध जताने वाले शिरोमणि अकाली दल के नेता अभी भी बयानबाजी करने से पीछे नहीं हटे हैं। यहाँ तक कि आज किसानों के चक्का जाम को लेकर भी हरसिमरत कौर मोदी सरकार पर जमकर बरसी हैं। देश में समूचा विपक्ष कृषि कानूनों के मुद्दों पर किसानों का साथ दे रहा है। यहां तक कि मोदी सरकार के साथी रहे कई दल भी एनडीए से नाता तोड़कर अन्नदाताओं की आवाज को केंद्र के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल ने अन्नदाताओं के सुर में सुर मिलाकर मोदी सरकार को आईना दिखाया था। संसद में सरकार पर जमकर बरसने वाली हरसिमरत कौर बादल ने आज भी चक्का जाम को लेकर केंद्र को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारी गलतफहमी का शिकार है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों को वो सिर्फ पंजाब के किसानों से जोड़कर देख रही हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किसानों को वो सिर्फ पंजाब के किसानों से जोड़कर देख रही है। हकीकत तो ये है कि पूरा देश किसानों के साथ आंदोलनरत है। सभी प्रदेशों में किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसके बावजूद मोदी सरकार किसान आंदोलन को सिर्फ पंजाब से जोड़कर देख रही है। अब अगर वो इस सच्चाई से आंख बंद ही रखना चाहती है तो कोई क्या कर सकता है। हरसिमरत कौर के मोदी सरकार को घेरने से पहले शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का समर्थन जता चुके हैं। बादल ने कहा कि वो यहाँ राकेश टिकैत को बधाई और समर्थन देने आए हैं। हमारी पार्टी और सारे किसान उनके साथ हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि मैं राकेश टिकैत जी को बधाई देने आया हूँ, जिन्होंने ये किसानों की लड़ाई लड़ी है। सारे किसान उनके आभारी हैं। जैसे वे लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे पिता प्रकाश सिंह बादल और उनके पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने साथ में किसानों की लड़ाई लड़ी। अकाली दल का प्रधान होने के नाते मैं उन्हें बधाई देने आया। हमारी पार्टी और सारे किसान उनके साथ हैं। पीएम मोदी को किसानों की बात सुननी चाहिए। आज ये लड़ाई देश के किसानों की लड़ाई है। शिरोमणि अकाली दल की ये हुंकार सीधे तौर पर मोदी सरकार पर तो दबाव बना ही रही है। अब देखना होगा कि क्या दूसरे दल भी मोदी सरकार का साथ छोड़ते हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।